ये मॉडल टाउन है ना, मॉडल टाउन, और वहाँ पे सामने हमारी गाड़ी है। इधर अस्सलाम वालेकुम। सूरज बिल्कुल गरूब हो गया है, शाम हो गई है, और ये मुरीद के रोड है ना। हाँ, मुरीद के लाहौर रोड। हाँ जी, और बस हम लाहौर पहुँचने वाले ही हैं, और लाहौर पहुँचने के बाद अब क्या हो करते हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन वो भी लाहौर पहुँचने के बाद। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। हाँ, शाम का टाइम है, बल्कि बिल्कुल सूरज गरूब होने वाला है, बिल्कुल ही, बल्कि अब नजर भी नहीं आ रहा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से तो थोड़ा बहुत आप लोग नजर आ रहा होगा, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी उसकी रोशनी है, रेड सी वही नजर आ रही है। नहीं तो कोई नहीं। और यहाँ गाड़ी में हम अकेले हैं, हमारे साथ आप देख रहे हैं कि जब हम आए थे तो हम दो फैमिली थी, अब वापस हम जा रहे हैं तो ये सिंगल फैमिली है, हम दो हैं। हाँ, सीन ये बना था कि हम जब करतारपुर के लिए निकले थे ना, तो अपना बिलाल भाई ने कहा कि हमारा कोई कजन है यहाँ पे, हमने उधर जाना है, तो आप उधर चले जाए, हम उधर चले जाते हैं। तो हमने कहा हम आपको छोड़ देते हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी ना, मैंने उनको बुलाया तो वो गाड़ी लेके ना आने वाले हैं, तो मैं उनके साथ ना गाड़ी पे जाता हूँ। बिलाल भाई का कजन नहीं था, मारिया की पप्पो का बेटा था। मारिया के पप्पो का बेटा। हाँ जी, मारिया के पप्पो का। तो खैर जी, प्लान तो उनका हमारे साथ था, लेकिन फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो वो अपनी पप्पो के घर चले गए हैं, और हम लोग अब हम चले गए करतारपुर। करतारपुर से अब हम वापस जा रहे हैं, नारोवाल से होते हुए मुरीद की हमने अभी क्रॉस किया। हाँ जी बिल्कुल। और अब हम मेरे ख्याल मोटर पे चढ़ने वाले हैं, कहीं मतलब लाहौर के करीब करीब ही हैं हम। बिल्कुल, और लाहौर के करीब पहुंच गए हैं, आप लोग हमारा व्लॉग एंजॉय करें। तो हमने फिर उनसे रब्ता किया, बिलाल लोगों से, और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमने अक्सारी लोगों को बुलाया था, तो हम ना उनके साथ हैं, तो भाई उधर ही उन्हीं के साथ हम अभी जा रहे हैं, और अभी उन्हें अपनी कजन की तरफ ही है मेरे ख्याल में। तो आप कहते हैं कि हमें कहा है कि आप लोग चलो लाहौर, और हम आप लोग के पीछे आ रहे हैं, तो अब हम अभी जा रहे हैं लाहौर। अब वो पता नहीं किस टाइम वो पहुंचते हैं, हम किस टाइम पहुंचते हैं, हमें बस इधर तो एक घंटे का टाइम बता रहे हैं, 1 घंटा 15 मिनट का, तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है, वो कब तक पहुंचते हैं, हम कब तक पहुंचते हैं लाहौर। तो ये तो हो गई ताज़ा सरीन, और जो बासी तरीन थी वो विलाग में है, आप लोग विलाग एंजॉय करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। तो लाहौर आ चुका, ये काला शाह काकू है, मतलब लाहौर हम काला शाह काकू नहीं है, बतिया वाला काकू है। कितनी लाइटें हैं यहाँ पे, काला शाह काकू कर दिया। चलो जी, बतिया वाला काकू है। हाँ, किसका काकू है। तो अभी हम यहाँ से इंटर हो गए हैं लाहौर की तरफ, और देखते हैं अगली मंजिल हमारी कहाँ बनती है। हाँ जी, कोई हमें रहने देता भी है कि नहीं। हाँ जी। लाहौर में गाना गाओ ना, मैं आवारा, तो मैंने कहा आप गाना गाओ, मैं आवारा फिरता हूँ मारा मारा। जो हमारे साथ थे वो हमारा साथ छोड़ गए हैं, उनको काम पड़ गया था। हाँ। उन्होंने मिलना था, उन्होंने ना असल में ना हमसे पूछे मशवरा किए बगैर अपने कजन को बुला लिया कि भाई हमें ना तकलीफ हो गाड़ी लेके, वो हमने उनको इतना कहा कि हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते। वो तब कजन की बात हो रही थी, अब पता चला कि अली अक्सर लोग आए। हाँ, फिर पता नहीं, हो सकता है सीन क्या है, कोई समझ वो तो जब उनसे आपका रास्ता होगा तो पूछेंगे ना, पता लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, क्या बना क्या है सर। तो हम भी पहुँच चुके हैं लाहौर, और अब हम यहाँ से मुल्तान वाले साइड पे भी निकल सकते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन अभी मेरा थक बहुत थक गया बंदा, मैं कहता हूँ मैं सफर इतना लंबा नहीं कर सकता। नहीं, मुझे ना खुद ऐसे खुद बहुत झपकियाँ आ रही है, मैं इनको भी देख रही हूँ, मुझे ना टेंशन हो रही है कि कहीं ये ना मोटरवे पे सोए पड़े और हमारी गाड़ी लहराती फिर रही हो। आज फिर लाहौर टिकते हैं। हाँ जी, किसी की मिन्नत तरले करते हैं, किसी की मिन्नत तरले करते हैं, कोई रब्ता शब्ता ढूंढते हैं ना, रात रहने दो, नहीं तो हम ना एहतजाज कर लेंगे। और अब क्या कर सकते हैं। चल रहे जी, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मुल्तान, मुल्तान, मुल्तान। हाँ, ये मुल्तान वाली साइड है। चल रहे जी, हम इधर नहीं, अब इधर जा रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं, तो लाहौरियों हमें वेलकम करें। दिंगी दिंगी की वेलकम करो, रहमत आ रही, मेहमान आ रहे, खुद को बना रहे हैं रहमत। फोन करो सानू यार जल्दी, अल्लाह तआला मन्नो, फोन कर छोड़ो। ये एक और टूल प्लाजा है, क्या नाम है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास टूल प्लाजा। हाँ जी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, काला शाह काकू, सारे टूल प्लाजा यहाँ हम गुजरते हैं। अभी हमारा 41 मिनट का सफर पड़ा है, तो वो भी करते हैं, और उसके बाद आप लोगों से
मुलाकात करवाते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। रात ठीक ठाक हो गई है और यहाँ हमने लोकेशन लगाई हुई है, उसी में चलते जा रहे हैं। सही कह रही हूँ ना? हाँ जी, गलत ना हो जाए ना। तो बस चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब चलना बंद हो जाएगा ना तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा और आप लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसी ने लोकेशन भेजी थी तो उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं लाहौर बिल्कुल, और यहाँ ये है मॉडल टाउन की लोकेशन है, और यहाँ पे हम एक गोल दायरा सा है वही घूम ही जा रहे हैं। पता नहीं गोल नहीं, लंबा सारा दायरा, लंबा सा गोल सा दायरा है, तो वहीं पे घूम रहे हैं तो पहुंच जाए। सही, नए बंदे को असल में पता भी कुछ नहीं चलता ना। अच्छा जी, अभी हम ये मॉडल टाउन है ना, मॉडल टाउन, और वहाँ पे सामने हमारी गाड़ी है ये, और यहाँ पे हमारे मेहमान है, मेहमान नहीं, हम मेहमान है, हमारे मेजबान है। थैंक यू जी। तो चलते हैं जी घर, इधर आ जी, तो ये वाली लोकेशन हमें मिली थी भाई जी, और इसी लोकेशन से लोकेशन में यहाँ पे गेट्स बंद होते हैं। सही सही सही। तो चलते हैं जी छत पे, छत पे नहीं मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे, इधर इधर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है बहन? ठीक ठाक है। फाइनली हम घर के अंदर बैठ गए हैं, पीने के लिए जूस मिल गया। बड़ी थकावट, बड़ी थकावट थी, मतलब काफ़ी सारा सफ़र किया, मुसलसल सफ़र हो रहा था। तो ये सैमा मंसूर जो हैं, इनके साथ हमारा रब्ता हुआ है वापसी पे, तो उन्होंने कहा आ जाएंगे हमारे घर, मोस्ट वेलकम। तो हमने कहा चलो आ जाते हैं यहाँ पे, और याद कर रहे थे रास्ते में कोई बुला लो, कोई बुला ही ले हमने, चलो इनसे रब्ता हो गया तो आपकी फरियाद हमारी फरियाद सुनी गई है माशाल्लाह। पीने को पानी मिल गया, रहने को घर भी मिल गया, बहुत नींद आ रही। मैंने कहा ये पता नहीं अब क्या करते, कर लेनी थी, लेकिन वो बंदे को वहम सा रहना कि हां कैसे ड्राइविंग कर सकते हैं। सही बात। और अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह में जूस मिला पी रहे हैं, और नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं, आप भी देखिए, फन करेंगे, मजा करेंगे, खाना खाएंगे। हम यहां आपको बंद कर देना, कमरे में बंद करके बाहर लाओ, इंटरनेट का कोड आपको दरवाजे के नीचे सेंड कर देंगे, यहां से अपलोड किया करें आप। बस ये सही है, ये सही है। तो बड़े प्यार से मिले हैं, बड़े इखलाक के साथ मिले हैं, और यही मोहब्बत होती है जी। तो इनका हम शुक्रिया करते हैं। इंसानों वाली बात नहीं होती, यूट्यूबर वाली बात होती है, वो होता ही बेचारा ऐसे। आप नहीं मिलते ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। इस चाय पानी के बाद अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो लैपटॉप ने बैग में डाला। के बाद हमने जाना है शादी पे, आओ शादी, शादी पे नहीं खाने पे जाना है, शादी हो रही है। तो सामने ओहो वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त ना। मुझे पहले औरतों को पहले पता लग जाता है कि शादी होने वाली है। मुझे बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है। चलो जी, अभी यहाँ पे इधर से इधर, इधर से इधर, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आती कि हमने आना जाना किस साइड पे। अच्छा इधर ही है। अच्छा जी, यहाँ माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी, और खाना खाते हैं। आ जाओ इधर, बस घर घर में इज्जत मिल जाए बड़ी बात है, बाहर की तो खैर है, बाहर हमने को रोजाना थोड़ी निकलना होता। हाँ, ये तो है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जान, ये सब हमें भी बताएं कि ये बनाया क्या क्या है। हम आपके साथ आते हैं, आपके साथ खाना टाइम कंप्लीट करेंगे, आपको खेलना नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब मिल गया खाना में, खाने में हमारे पास ये बिरयानी है, ये करेला गोश्त है, और ये कौन सा कौरमा है? ये चिकन कौरमा, चिकन कौरमा, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर और ग्रेस, और ये पूरी फैमिली है, और ये आपकी ममनुआ डिश है। हाँ ये जो मैं नहीं खा सकता, शौक बड़ा होता है लेकिन मेरा गला खराब हो जाता है। अच्छा, तो मैं खा नहीं सकता। सैमा और मंसूर भाई इनका चैनल है, और चूंकि देखो ना इन्होंने हमें
मुश्किल वक्त में हमारे काम आए, मतलब रात को हमें रहने के लिए जगह दे दी है, तो आप लोग इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो ये मुश्किल वक्त में सबके काम आएंगे, तो आप हाँ। लोगों ने भी आना है तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, इनसे फोन पे बात हुई तो और बात थी, और अब माशाल्लाह से लाइव इनसे मुलाकात हुई तो बहुत ही प्यारी फैमिली है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, दुआ भी करें। हम डरते डरते पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा है। खैर अब डर नहीं गई, अब बच गए, अब बच गए, तो खाना खाते हैं माशाल्लाह से, बड़ा मजेदार लजीज खाना है। तो ये एक मुख्तसर सी फैमिली है, ये बड़ी बेटी है, ये उससे छोटी बेटी है, और ये उससे भी छोटी बेटी। हाँ माशाल्लाह। आपका नाम? और आपका नाम? हाइम। और आपका नाम? आइजा। वेरी गुड, वेरी क्यूट। तो खैर करते हैं नाश्ता, नाश्ता नहीं सॉरी, अब दिमाग हमारा चकराया हुआ भजन सफर करके, परेशानी चलते हो ना, अभी बड़ी सारी परेशानी भी है, वो भी हम बता नहीं सकते, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले तो बताएंगे। थके हुए भी हैं और कल्ले कल्ले भी आए हैं, डर डर के भी आए हैं, रास्ता बड़ा ख़राब था, सुनसान भी था। तो खैर आप लोगों से इसी ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, कैसा दे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।